हाय फ्रेंड, नमस्कार। डीआरएस हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी एक नई कहानी है जिसके शीर्षक हैं कौवा, हाथी, शेर, टाइगर और लोमड़ी। तो दोस्तों, चलते हैं, इन सब का आनंद उठाते हैं। एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सिया और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता है। शायद पास के गांव से नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किसी प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियों को खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सिया कमजोर होने लगे। जब कई दिन तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहे तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूंगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो फिर शेर ने कहा तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे। वो कहने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूं। चारों शेर के बात मान लिए। फिर चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इसके बाद सियार ने बोला कि तुम बहुत छोटे हो,
तुम भोजन क्या नाश्ते के भी लायक नहीं हो। फिर चीता ने बोला, महाराज आप मुझे खा जाएंगे। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। इसके बाद सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोलने लगे कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगे कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लिए। इतना सुनते ही शेर चीता और सियार उस पर झपट पड़े। उससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी का सीख। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चलाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा रहा आज का यह छोटा सा कहानी, हमें आप जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया हमारे साथ आप जरूर जुड़े। मैं ऐसे ही नई नई कहानियाँ रोज लेकर आता रहता हूँ। तो इसके साथ मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।